Curcumina. भारतीय संस्कृति हमारे ऋषि मुनियों और मनीषियों के ज्ञान, तप और आचरण से ही समृद्ध हुई है। उन्होंने वेद, पुराणों और धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमें उत्कृष्ट सामाजिक जीवन जीने के तरीके बताए और प्रकृति के वरदान रूपी पौधे के औषधीय गुणों को पहचान कर बहुत से घरेलू नुस्खे दिए, जो आज भी विभिन्न रूपों में भारतीय भोजन के अभिन्न अंग बने हुए हैं। हमें विरासत में उनका ज्ञान वेद ग्रंथों के द्वारा मिला है, जिसमें सात्विक जीवन और प्रकृति के महत्व को समझाते हुए हमें स्वयं तथा समाज की समृद्धि के लिए स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाई है। हमें गर्व है कि हमारी समृद्ध विरासत आज आयुर्वेद के रूप में सारे संसार का मार्गदर्शन कर रही है तथा स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रकृति की निकटता की आवश्यकता और अनिवार्यता को रेखांकित भी कर रही है। हम अपने भोजन को फल, सब्जी, मसाले आदि के रूप में देखते हैं, जबकि आयुर्वेद इनके स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण इन्हें औषधि के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए सलाद रूपी मूली पाचक तंत्र के लिए एक दवाई है और साग रूपी मेथी डायबिटीज के मैनेजमेंट में सहायक होती है। हमारे भोजन में मसाले केवल स्वाद का नुस्खा होते हैं, जबकि प्रत्येक मसाला शरीर के लिए एक औषधि का काम करता है। गौर से देखें तो तमाम मसालों में हल्दी का प्रयोग प्रत्येक भारतीय व्यंजन में अनिवार्य रूप से होता है, लेकिन यह भी एक सत्य है कि हल्दी हजारों वर्षों से सर्वमान्य औषधि भी है। आइए देखें कि हल्दी और कुरकुमीन में क्या फर्क है। हल्दी अदरक की एक प्रजाति है, जो पीला रंग देकर भोजन को आकर्षक बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन यह पीला रंग हल्दी में मौजूद उन केमिकलों की वजह से होता है, जो हल्दी को औषधीय गुण देते हैं। इन केमिकलों को कुरकुमिनाइड्स कहा जाता है। इनमें से कुरकुमीन सर्वाधिक सक्रिय तत्व होता है, जिसकी वजह से हल्दी में पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं। आइए देखें कि कुरकुमीन बनाया कैसे जाता है। कुरकुमीन मुख्यतः दक्षिण व दक्षिण पश्चिम एशिया में पैदा होने वाले कुरकुमा लांगा नामक पौधे के सूखे राइजोम से बनी हल्दी में से निकाला जाता है, जिसमें 2-5% तक कुरकुमीन होता है। इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विधि से निकालकर क्रिस्टलाइज करके हल्दी के बाकी तत्वों से अलग कर लिया जाता है। कुरकुमीन के लाभकारी उपयोग बहुत से हैं। कुरकुमीन का पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी गुण इंफ्लेमेशन पैदा करने वाले मॉलिक्यूलों को कमजोर करके शरीर पर किसी भी कारण से हो रहे इंफ्लेमेशन को कम करता है। कुरकुमीन हृदय की एंडोथीलियम की कार्यक्षमता को दुरुस्त करके हृदय की बीमारियों में असरकारी होता है। कुरकुमीन का एंटीऑक्सीडेंट गुण फ्री रेडिकलों को न्यूट्रलाइज करके शरीर के एंटीऑक्सीडेंट एंजाइमों के असर को बढ़ाता है। कुरकुमीन BDNF अर्थात ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नामक हार्मोन को बढ़ाकर मस्तिष्क में चल रही कई डिजेनरेटिव क्रियाओं को कम करके नए न्यूरॉन बनाने में सहायक होता है और अल्जाइमर डिजीज में सुधार की संभावनाएं भी बनाता है। आर्थराइटिस की वजह से होने वाले जोड़ों के इन्फ्लेमेशन को कम करने में कई एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं की तुलना में कुरकुमीन बेहतर नतीजे देता है। कैंसर चिकित्सा में कुरकुमीन का विशेष स्थान है। कैंसर के इलाज के लिए आमतौर पर कीमोथेरेपी को प्राथमिकता दी जाती है, जो कैंसर कोशिकाओं के साथ स्वस्थ कोशिकाओं को भी समाप्त कर देती है। इस प्रक्रिया के गंभीर साइड इफेक्ट तो होते ही हैं और यह महंगी भी होती है। कीमोथेरेपी का प्रयोग कैंसर से बचाव के लिए नहीं किया जा सकता। कुरकुमीन स्वस्थ कोशिकाओं पर असर डाले बिना कैंसर कोशिकाओं को कई प्रकार से निष्क्रिय करती है। कुरकुमीन के इस गुण ने चिकित्सा जगत का विशेष ध्यान आकर्षित किया है। कुरकुमीन कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उनमें होने वाली कई प्रक्रियाओं का पाथवे नियंत्रित करके उनको समाप्त कर सकती है, जिसमें प्रसार विधि पाथवे साधारण कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तित होने के निर्देश का पाथवे कैंसर कोशिकाओं का सर्वाइवल
पाथवे, ट्यूमर को दबाने की प्रक्रिया का पाथवे, डेथ रिसेप्टर पाथवे, माइटोकॉन्ड्रिया पाथवे और प्रोटीन काइनेज पाथवे मुख्य हैं। इस प्रकार की विविधता के कारण कैंसर कोशिकाओं में कुर्कुमिन के प्रति रेजिस्टेंस नहीं बन पाता। इतने लाभकारी गुणों की वजह से कैंसर से बचाव के लिए तथा स्वस्थ रहने के लिए कुर्कुमिन के प्रयोग की सलाह दी जाती है। आम धारणा है कि हम भोजन में हल्दी का भरपूर प्रयोग तो करते ही हैं, फिर अलग से कुर्कुमिन का प्रयोग क्यों करें? लेकिन भोजन में हल्दी के प्रयोग के साथ अलग से कुर्कुमिन का प्रयोग किस तरह से बेहतर होता है, यह जानना आवश्यक है। भोजन में प्रयोग की जाने वाली हल्दी की मात्रा आवश्यकता से बहुत कम कुर्कुमिन उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त जो कुर्कुमिन उपलब्ध होती है वह पाचन तंत्र से पूरी तरह अवशोषित नहीं हो पाती। आमतौर पर कुर्कुमिन को पाइपरीन के साथ मिलाने से इसका अवशोषण लगभग 2000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए भोजन में प्राप्त हल्दी के अलावा कुर्कुमिन का अलग से प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। हम आपके लिए कुर्कुमिन प्लस कैप्सूल लाए हैं, जो न केवल आपको असाध्य बीमारियों से बचाता है, बल्कि शरीर के वाइटल अंगों को स्वस्थ रखते हुए शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। अपने स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए कुर्कुमिन प्लस का एक कैप्सूल दिन में 2 बार प्रयोग करें।